नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक, सुबह सुबह में आपका स्वागत है। भारत चीन का एलएसी का तनाव सैन्य वार्ताओं के बावजूद जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडर की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। और इस बीच चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा यह है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के पास दौरा करने जा रहे हैं। चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल जाएंगे। चीन से झड़प में घायल हुए जवानों से मिलेंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी 2 हफ्तों में अपना दूसरा लेह दौरा करेंगे। चीन की हरकतों पर अब भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। रक्षा मंत्री का यह दौरा बेहद अहम वक्त पर हो रहा है। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लियो लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह से 12 घंटों की बातचीत की, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर न करने पर सहमत हैं। भारत और चीन में सहमति बनी है कि 72 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे कि जिन बातों पर एक राय बन गई उसे जमीन पर उतारा जा रहा या नहीं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है और 4 मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। पेंगोंग झील का फिंगर 4 का इलाका और गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 ए में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं। यही नहीं, कुछ और इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सकेगा। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटने पर सहमति बन गई है। चीनी अखबार ने सूत्र के हवाले से कहा है कि भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक चीन 22 जून की बैठक में भी चरणबद्ध तरीके से सरहद से हटने को तैयार हो गया था, लेकिन 8 दिन बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये कि चीन ने अभी तक सहमति और रजामंदी की जो भी बात कर रहा है उस पर भारत आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी और लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।